नमस्ते शाक। नमस्ते। हम एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी आइसक्रीम ब्रांड है जो कि एक वेगन होने के साथ साथ, यानी कि डेयरी फ्री होने के साथ साथ, इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फीचर भी है। इसके अंदर हमने डाइट्री फाइबर इन्फ्यूज करे हैं जो कि वजन और कोलेस्ट्रॉल घटाने में आपकी मदद करता है। सो आइसक्रीम विद फाइबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक आइसक्रीम्स की भी काफी रेंज है। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है लव पोशन, उसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। ऐसे एक हमारा फ्लेवर है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने तुलसी और दालचीनी के एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करा है। और एक प्रोडक्ट है थर्ड आई ओपनर, जिसके अंदर हमने ब्राह्मी बकोपा का इस्तेमाल करा है। हम F&B इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से हैं और 1983 में मेरे पिताजी ने बहुत सात्विक सोच के साथ एक छोटी सी हाथ से चलाने वाली एक लकड़ी की पेटी से इसकी शुरुआत करी थी। आज हमारे पास 90 से ज़्यादा आइसक्रीम के फ्लेवर्स तो हैं ही, साथ में शेक्स और आइसक्रीम्स की भी कई वेराइटीज़ हैं। हम हैं दिल्ली के मशहूर गोपाल्स 56। मेरा नाम गौरव गोयल है और मैं 38 साल का हूँ। मैंने एक सपना देखा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली नहीं, देश विदेश में भी लोग गोपाल 56 के उत्पादों का लुत्फ उठा सकें। और इसलिए आज मैं अपनी लेगेसी, अपनी कंपनी की 25% इक्विटी के बदले 300 करोड़ की फंडिंग मांगने आया हूं। सो शार्क्स, कौन गोपाल्स 56 को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनाने में मेरी मदद करेगा? आपको कुछ मीठा खिलाया जाए? लाइए कन्हैया जी। फेदर बड़ा अलग ही लग रहा है। सही लग रहा है। ये कौन सा फ्लेवर खा रहे हैं हम? चरणामृत। बस आपका आस्क क्या था? 25% फॉर 300 करोड़। 300 करोड़ हम देंगे। वैल्यूएशन है 1200 करोड़। इसको थोड़ा हजम करने के लिए पहले आपकी आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम तो खाई लो, हजम हो ना हो। ये शार्क टैंक के इतिहास में सबसे बड़ा आस्क होगा। ये सारे फ्लेवर चरणामृत है। यही फ्लेवर क्यों चूज किया आपने? डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। चरणामृत खा के आप 300 करोड़ रुपए देंगे। इसलिए चूज किया गया है। फ्लेवर तो अच्छा है। आइसक्रीम तो अच्छी है। आइसक्रीम बहुत बढ़िया भाई। और साथ में सिनेमन भी है। फ्लेवर इज गुड। वैल्यूएशन का पता नहीं, लेकिन आइसक्रीम अच्छी। तो गौरव जी, थोड़ा वैल्यूएशन से दूर जाते हैं। सर, आपने पढ़ाई क्या की है? सर, मैंने BBA करी है और आई हैव आल्सो रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट in business management and along with that I'm doing law also. तो आप एक second generation entrepreneur next level पे लेके जाना चाहते हैं? जी। तो आप ये बताइए कि दिल्ली की एक खासियत है, दिल्ली में कोई वेट नहीं देख रहा होता, उसको बस taste चाहिए, तो हम खा के मजा आना चाहिए। Correct. तो आपका clientele main market तो दिल्ली है। Yes. पर जो product आप बनाया है तो उसमें आपने पहला focus taste पे रखा, या ये focus ये था कि नहीं इसको dairy free बनाना है? Both the things. Taste की जहाँ तक बात आती है, primary तो आइसक्रीम या डेजर्ट कोई भी कोई खाता है तो उसका उद्देश्य होता है मिठास का स्वाद लेना। लेकिन हमने कोशिश ये करी कि हम उस मिठास के साथ साथ जो बॉडी के अंदर जो जाने वाले कॉम्पोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा sensibly डालें। तो दिल्ली में कहाँ पे आपका? दिल्ली में कालकाजी में। एक शॉप है? बहुत सारी शॉप नहीं, हमारा 2-3 आउटलेट्स हैं। एक CBI हेडक्वार्टर्स के अंदर हमारा आउटलेट है जो कि इनसाइड ही है, मतलब ओनली द स्टाफ कैन यूज इट। भाई ध्यान से बोलना जो भी बोलोगे अगला शब्द। एंड स्कूल्स के अंदर है, उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं और एम्बेसीज के साथ भी काम करते हैं। हमारी एक अभी एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर एक कंपनी हमने खोली है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको कैलिफोर्निया जाना है, मानिए कालकाजी से निकलेंगे तो सड़क पकड़ेंगे आउटर रिंग रोड, पहले एयरपोर्ट तो जाएंगे, एयरपोर्ट के रास्ते में GK आएगा, मालवीय नगर आएगा, IIT आएगा, इतनी सारी मार्केट आपको दिख रही है, आप कालकाजी के बाहर एक दुकान तो पहले खोलेंगे, आप सीधा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में जाके दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं, तो वो बेतुकी बात।
ये जो आपका अभी कालका जी में जो दुकान है मेरे घर के बहुत पास है, मेरे को पूरा मार्केट पता है। तो कालका जी के स्टोर से कितनी सेल है? लगभग 4-4.5 करोड़ की सेल है सालाना जी एक स्टोर से। यस। और क्या प्रॉफिट आता है आपको कालका जी स्टोर से? दैट्स अबाउट 20-21%। 80 लाख के करीब आपका प्रॉफिट है साल का ये लगभग। एक मिनट, प्रोबायोटिक, डाइटरी फाइबर, आयुर्वेदा, ये सब आपने यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ट्रायल्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू आर क्लेमिंग, और आपके पास ये एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं? है। कौन है? सो आई कैन नॉट नेम हर, बट शी इज कॉल्ड द गुरु। व्हाट आर हर क्वालिफिकेशंस? शी इज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। बट व्हाट अबाउट ऑल द scientific ingredients and इसके ऊपर the fibers and the probiotics, इसके ऊपर हमने कुछ testing, qualification उसकी testing, उसकी testing report है। सारी बात आपकी मेरे को बढ़िया लग रही है। एक चीज से जिससे हम सब हिल चुके हैं और जो आइसक्रीम खाने के बाद दिमाग ठंडा करने पे भी नहीं हजम हो रही, वो आपकी वैल्यूएशन है। आप यहाँ पे आके हमसे बोल रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपए लगाएं, जो कि अगर हम आपस में भी बांट लें तो 60-60 करोड़ रुपए हो जाएगा, और उससे हमको आपकी कंपनी का 25% हिस्सा मिलेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ या कहीं करोड़ लाख में कहीं गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। 300 करोड़ से करोगे क्या, रिटायर हो गए आप? 300 करोड़ 300 करोड़ से मतलब ये नहीं है कि हमने इन्फ्यूज करना है एकदम से फंड। सो द प्राइमरी पर्पस वॉज टू सेट अप फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन यूनिट एंड मार्केटिंग, एंड देन द मेजर अमाउंट वुड गो इनटू द इन्वेंटरी, बिकॉज द इन्वेंटरी इज ह्यूज। मेरे को चकरा रहे हो आप। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उनको मार्केट कैप्चर करने के लिए 300 करोड़ के स्टॉक की जरूरत है, राइट? वो 300 करोड़ का स्टॉक वो जरूरी नहीं है, इक्विटी के थ्रू चाहिए। वो डेट भी ले, क्रेडिट लाइन मिल जाए, वर्किंग कैपिटल मिल जाए, वो मिल जाए। वी कैन आल्सो थिंक इन फेजेस। तो आप हमसे क्या चाहते हैं अभी अगले 10 मिनट में, क्या चाहते हैं वो बताइए। 300 करोड़। तो 300 करोड़ के उस पे तो पूरा हिंदुस्तान सुबह शाम आइसक्रीम ही खाएगा, तभी जाके आपका बिजनेस बनेगा। सर, इंडिया का मार्केट है ना। हां, इंडिया क्यों देख रहे हो आप? नहीं, इंडिया कैलिफोर्निया जाना है। कैलिफोर्निया वालों को भी लंच, ब्रेकफास्ट, कॉफी की सब जगह भी आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी। सर, इंडिया की जो मार्केट है इज अबाउट 6,000 करोड़। गौरव जी, आप रुक जाइए। आपने खुद बोला 6,000 करोड़ रुपए की टोटल मार्केट है इंडिया। एक मिनट अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी मार्केट आपकी है, ठीक है? तो 6,000 करोड़ रुपए की सेल आप करेंगे। उस 6,000 करोड़ की सेल करने के लिए क्या आपको 300 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी चाहिए? नहीं। फिर आप 300 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे हैं? मैंने इंडिया की, सर मैं बात नहीं कर रहा, सकते नहीं कर रहा ना यार। बात ही ग्लोबल है, मैं कह रहा हूं विजन की बात सुनने सुन नहीं रहे यार। अभी आप आइसक्रीम कोई फैक्ट्री में बनाते हैं जी, और अब आप बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट बड़ा। इसमें कितना खर्चा लगेगा? आई थिंक 2-3 करोड़ रुपए। बाकी पैसा क्यों चाहिए? 297 करोड़। दिस इज द आस्क फेजेस में। 297 करोड़ आपको इन्वेंटरी चाहिए 300 करोड़, पर फेजेस में चाहिए, आज नहीं चाहिए। यस yes. अभी फर्स्ट फेज में कितनी इन्वेंटरी चाहिए? 5 CR, वी आर ओके टू गो। तो मैं आपकी तरफ से इनको बोल दूं कि आज आप यहाँ पे 5 करोड़ रुपए रेज करने आए हैं, ये चलेगा अगर आज 5 मिल जाए? नहीं, मतलब ये क्या फिर आगे क्या होगा उसका अगर? नहीं यार, वो बदल नहीं सकते यार। 300 करोड़ की रेज है, उनकी मांग है 300 करोड़ की। आगे का यार, मेरी एक बात मैं कहता हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ, सपने हमेशा आसमान में होने चाहिए, लेकिन कदम होने चाहिए जमीन पर। मतलब जब बुनियाद बनाते हो तो उसको फेज वाइज बनाते हैं, ठीक है? आपको बनाना है 5,000 करोड़ का बिजनेस, तो आप पहला स्टेप लें, 300 करोड़ की इन्वेंटरी और मार्केट में डाल दें और 5,000 करोड़ का बिजनेस बन जाए। ये पागलपन, तो मेरे लिए इसके आगे जाना ही नामुमकिन हो गया। मैं हूँ आउट, और मैं इसलिए आउट हूँ क्योंकि जब आपके ग्लोबल एम्बिशंस होते हैं तो उसका एक साइंटिफिक बैकिंग, ट्रायल्स, टेस्टिंग, क्लेम, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होना चाहिए। जब आप मेडिकल इंग्रेडिएंट्स किसी चीज़ में डालते हैं तो वो आपके बातों से मैं कन्विंस नहीं हूँ। सो आई एम सॉरी, आई एम आउट टू। गौरव, शायद आपकी USP है अच्छी आइसक्रीम बनाना, पर आज आई थिंक अभी ये इन्वेस्टेबल नहीं है, तो मैं बाहर हूँ। देखो, हम सब यहाँ ना इन्वेस्ट करने आए हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, वैल्यूएशन मजाक नहीं है, बिजनेस मजाक नहीं है, हमारे पैसे मजाक नहीं है। उनके पास बैंक है, वो लूटता नहीं है ना? आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस होता है, जैसे अगर आपने 5 करोड़ की सेल करी तो उसका वैल्यूएशन होनी चाहिए 10 करोड़ या 12 करोड़, 1200 करोड़।
मतलब उसका भी एक मल्टीपल होता है, उसके हिसाब से हम सब पैसे लगाते हैं आपके ऊपर कि आपका बिजनेस अच्छा, आप अच्छे हो और उसको ग्रो करें। अब जब ग्रो करते हैं तो आपका बिजनेस भी ग्रो करता है, हमारा पैसा भी ग्रो करता है। ऑफकोर्स अभी जो आप करोगे वो थोड़ा इसमें भी बिजनेस के में भी बस समझ लेना तो अच्छा होता है। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप न्यूज़पेपर और स्टॉक मार्केट को देख के सोच रहे हैं कि ये एक वैल्यूएशन की गेम चल रही है हिंदुस्तान में, तो हम भी इसमें कूदेंगे। बट आप कूद तो गए हैं, बट हाथ पांव कैसे चलाने आपने कुछ सीखा ही नहीं है इसमें। अगर आप 4.5 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं साल की, आपको 70 साल लग जाएंगे 300 करोड़ रुपए की सेल करने में एक दुकान से। और आप हमसे आके 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं 25% के लिए, तो इसमें तो हमको ये लगेगा ठीक है आपका बचकानापन बाहर आ रहा है, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से तो नो नहीं है, मतलब ये आप 10 बारी और भी आ जाएंगे ना मैं तब भी नो ही बोलूंगा। मैं एक लास्ट बात कहूंगा, एवरी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो इज 20 ईयर्स इन द मेकिंग। वो कैसे एक एक ईंट लगा के उन्होंने अपना घर खड़ा किया, महल खड़ा किया। तो ये बात याद रखना, आपको इस विषय में बहुत गहराई से सोचना आपने क्या गलत किया आज और क्यों किया, फिर जाके आपको छाल है कोई रास्ता में। थैंक यू गौरव। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं क्रांति आनंद, फाउंडर एंड सीईओ एआरआर कोर्ट। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल, को-फाउंडर एआरआर कोर्ट। और मैं हूं सारांश, और हम साथ तीन बनते हैं एआरआर कोर्ट सरफेस टेक्सचर्स। शख्स, हमारी पहचान होती है हमारा घर, और हमारे घर की पहचान होती है उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन होती है उसकी दीवारें। लेकिन क्या आप जानते हैं पेंट के साथ साथ निकलता है VOC। व्हाट इज VOC? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में कैंसर फैलाता है और ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एआरआर कोर्ट है आपके साथ। जी हाँ, हम आपके पास लेकर आए हैं ताजमहल जैसा सालों साल चलने वाला मार्बल। हम एआरआर कोर्ट सरफेस टेक्सचर्स, वी आर अ एंड टू एंड वॉल सॉल्यूशन सिस्टम कंपनी। हम आपकी दीवारों को उनके ब्रिक से लेके उसकी फाइनल फिनिशिंग तक करके देते हैं। तो लेकर आते हैं हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी हेरिटेज मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ। और इसके बेनिफिट्स भी हैं अनेक। ये वाटर रेजिस्टेंट है, दिस इज वॉशेबल, ये 0 VOC के साथ आता है, ये एंटी क्रैक है, साथ ही साथ ये आपके कमरे को भी ठंडा रखता है बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम क्ले। वाओ। तो शार्क्स, हु इज रेडी टू मेक अ रिवॉल्यूशन इन इंडिया विद देयर वॉल्स? और हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कौन बढ़ना चाहता है? आवर आस्क इज 50 लाख रुपीज फॉर 5% इक्विटी इन द कंपनी। AR कोड टीम। जी, यू कैन से R कोड सर। तो R कोड टीम, शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से, कैसे आया आपको ये आइडिया और तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? एक्चुअली बैकग्राउंड तो मेरे से शुरू होता है क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैं ही करता हूँ। तो जब मैं इस लाइन में आया एज अ हेल्पर आया था, तो हेल्परी करते करते मैं कारीगर बन गया। कब कब की बात है ये? 2004 की बात है। और फिर आप कारीगर बने, इसका क्या मतलब हुआ? एप्लीकेटर। उसके बाद मैं दुबई गया, वहाँ जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो अलग टाइप के टेक्चर्स हो रहे हैं। मेरा दिमाग एकदम शॉक हो गया, मैं कहा ये तो पहली बार देख रहा हूँ, इंडिया में तो टेक्चर देखने को मिलता ही नहीं था। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया इसके अंदर। फिर मैं उनके साथ काम करता रहा, तकरीबन मैं वहाँ पे 9 साल काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा नोटिस कर रहा था कि मतलब केमिकल्स थे सारे, मतलब कभी कभी रैशेस पड़ते थे, खुजली भी होती थी, यहाँ तो मैं आँखों में जलन भी होते थे। मैंने कि ये सारी प्रॉब्लम पेंट की जड़ है, और मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊंगा जो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ हमारे देश में कोई और फेस ना करे। वाह वाह यार। और वो कीड़ा लेके मैं वापस आया इंडिया के अंदर। कमाल करते हो यार तुम तो। कौन से साल में वापस आया? मैं आया 2016 में। वाह, इनक्रेडिबल, वेरी इंस्पायरिंग। मेरा पूरा इंडिया छान मारा, मुझे रॉ मटेरियल इंडिया में मिल गया। मैंने अपने वाइफ के बच्चों के गहने भी बेच दिए। बेच के मैंने वो पैसे इकट्ठे करके मैं रॉ मटेरियल लेके आया। मैं कहा ये मुझे बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बनाया, बनाने के बाद खुद मैंने अपने वॉल पे टेस्ट किया। यकीन नहीं करेंगे, फर्स्ट ट्रायल में 100% सक्सेसफुली रिजल्ट मिला मेरे को। खुशी हुई,
अब खुशी होने के बाद फिर एक और प्रॉब्लम सामने आया कि मैं अब इसको सेल कहाँ करूँ। इंडिया के टेक्सचर की मार्केट थी नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ नहीं। कोई कहता था कि भाई लैब टेस्टेड है, मैं बोलता था नहीं। पैकिंग अच्छी है, मैं बोलता था नहीं। फैक्ट्री है, मैं बोलता था नहीं, घर पे बना रहा हूँ। तो मतलब कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया है, और क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे ही 6-7 महीने गुजर गए, मैं टूट चुका था, हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गूगल से मुझे मिले। मैंने इनको सब चीज़ फ़ोन पे डिटेल्स दिया, अब ना कर दो तो फ़ोन पे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फ़ोन पे सारी चीज़ें समझा दी इनको। समझने के बाद इन्होंने मुझे बुलाया, और मिलने के बाद इन्होंने उस प्रोडक्ट को पकड़ा, और मैंने इनको पकड़ा, और आज आपके सामने। ये वाला जो पोर्शन है आज ही मैंने किया दोपहर को अपने हाथ से। कौन सा पोर्शन? ये कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने अपने हाथ से मिक्स करके किया है। वाओ, ये तो इनोवेशन हो गया यार। हम लोगों ने जब इस चीज पे काम करना शुरू किया तो एरर कोड फॉर्म हुई, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया वो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी के घर का था, गौरी खान। और वो खुद इंटीरियर की मतलब काफी मानी जानी उनके लिए पहुंचे कैसे वहां तक? एक्चुअली रेफरेंस आए थे, क्योंकि मैं इंटीरियर फील्ड के अंदर हूँ पिछले 6-7 सालों से इंडिया में। उससे पहले आई वाज इन मिडिल ईस्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्रिएशन आज मार्केट में बहुत एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं, एक बात समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएशन आपकी इंटीरियर वाली कंपनी yes, है ARR से अलग। हाँ जी, जो इंटीरियर्स का काम करती है। वाह, और आप क्या करते हैं? आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? आई एम द ओनर। इकबाल का 30% स्टेक इन प्रॉफिट्स है। 100% शेयर होल्डिंग आपकी है? 100% शेयर होल्डिंग मेरी है। और आपके लड़के की? कुछ नहीं। लेकिन ये सब काम तो मतलब सोच और आइडिया और जो भी इनोवेशन है ये सब तो इकबाल का है, तो उसको इक्विटी क्यों नहीं? सर, हम जो भी करते हैं मिलके करते हैं। नहीं, आपने मिलके बिल्कुल नहीं करा। अगर आप अच्छे फाउंडर होते, अगर आप अच्छे ओनर होते ना, तो आपको इकबाल को प्रॉफिट शेयर में नहीं, आपको इसे शेयर्स देने चाहिए। अगर ये इन्वेंटर है, उस टाइम पे उनकी सिचुएशन खराब है, तो आपने उसका फायदा उठा के इनको इक्विटी नहीं दी, आपको इन्हें इक्विटी देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बड़े भाई की तरह मुझे संभाला इन्होंने, बहुत कुछ दिए है, बट इक्विटी नहीं दी। सर, एक चीज देखिए, इकबाल मेरे छोटे भाई जैसा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इकबाल का शेयर उसके अंदर बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये है, he gets a salary also. कितनी लेते हैं? 40,000। और जो स्टेक है वो अलग है। स्टेक तो है ही नहीं। प्रॉफिट को मतलब मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, तो इसीलिए ये सेटअप जो है ना आगे जाके आपको बहुत तकलीफ देगा। एक्चुअली हम लोगों ने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी, कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि भाई मैं उसको यूज करके उसको ऐसा कुछ नहीं। चलिए आपके बिजनेस पे आ जाते हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपका इंटेंट ठीक है, और अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ठीक करना ही पड़ेगा आपको, पेपर वर्क में भी। जी, सेल कितना करते हैं? वी स्टार्टेड लास्ट ईयर ओनली, पिछले साल की हमारी सेल्स थी 77 लाख। ओके, और इस साल हमारा जो प्लान है दैट इज 1.5 CR। प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज पिछले साल इट वाज 10%, इस साल इट विल बी 20%। मतलब 1.5 करोड़ की आपने कहा, 1.5 करोड़ की, तो इसमें से 30 लाख रुपया प्रॉफिट है। करेक्ट, तो इसमें से 10 लाख रुपया आप मोहम्मद को दोगे? यस, कंफर्म्ड है ना? जो पेंट का बिजनेस है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। एब्सोल्युटली, बहुत ही डिफिकल्ट कैटेगरी है। बिल्कुल एग्री सर। हमारा जो आगे जाके भी जो विजन है, आप घर पे बैठ के आप जब अपना वो मोबाइल उठाएंगे, उसमें आप एरर कोड ऐप को डाउनलोड करके आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी दीवारें स्कैन करेंगे, ठीक है, और आप हमारे टेक्सचर्स के साथ टॉगल कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, आप D2C पेंट्स ब्रांड बनाना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, पेंट में कोई D2C नहीं होता। कॉन्वर्सेशन में बता रहा हूँ, कंज्यूमर की क्या होती है कॉन्ट्रैक्टर से। जी, एशियन पेंट्स यूज कर रहा है, वो बोलेगा नहीं एशियन पेंट्स नहीं है, 2-3 और नाम है। जी, वहीं पे बात रुक जाती है, उसके नीचे कोई सुनता ही नहीं है। आपका जो स्केल है, 50 लाख रुपए पिछले 6 महीने में सेल की है, मेरे को उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं दिखा। या तो आप मेरे को आके बताते ना कि आपको प्लास्टर करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 6 लेयर बचा ली, लेबर बचा ली, और अब मैं एक
बिल्डर को ये बेचूंगा और उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम आ जाएगी, तो उसमें वैल्यू थी। आप सुपर प्रीमियम सेगमेंट में जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट में एक एक दो दो दीवार या उसको डिफरेंट फिनिश देने पे की तरफ जा रहे हैं, जहां मेरे को मास स्केल नहीं लगता और उसकी वजह से आपके नंबर्स भी लो हैं, तो मैं इससे बाहर हूं। माय डिसीजन इज आल्सो मेड। टू बी ऑनेस्ट, ये बिजनेस में मैं ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई फील ये वाला बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है और फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट। मैंने भी डिसीजन बना लिया है, आप अभी दो बिजनेसेस कर रहे हैं, इंटीरियर बिजनेस और पेंट बिजनेस, और ये दो बिजनेस साथ चलते चलते ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, आपको इंटीरियर बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ये कर लेंगे तब ये बड़ा बनेगा। अभी मैं आपका कस्टमर जरूर बन सकता हूँ, बिकॉज लेंसकार्ड में सब कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना चाहते हैं, उसके लिए हम बाहर बात करेंगे, पर आज मैं बाहर। चलिए चार शॉक आउट है, बट आप निराश मत होइए, मैं आपको ऑफर करता हूँ 50 लाख, लेकिन मेरे काफी कंडीशंस हैं। सबसे पहले मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्लीन और ऑर्गेनिक होना चाहिए, जो क्लेम आप कर रहे हैं वो फैक्चुअल होना चाहिए और हम टेस्ट करवाएंगे। दूसरी बात है, नो अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट एग्जिस्ट्स टुडे। थर्ड, इक्विटी आपको को फाउंडर को देनी पड़ेगी, और ये जो आप जो एक दूसरा इंटीरियर्स का बिजनेस लेके बैठे हैं, उसका क्या करेंगे? I am appointing some managers to take care of that, because आप एक काम कीजिए, आप उसमें रहिए फुल टाइम, इनको ये चलाने दीजिए। मैं मेरे लास्ट कंडीशन पे आता हूँ, हमको एक को फाउंडर लाना पड़ेगा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप ये बातें मानते हैं तो माय ऑफर स्टैंड्स, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा फॉर 10% एज इक्विटी, दैट वैल्यूज योर कंपनी एट 3 crores, और मैं आपको 20 लाख रुपए लोन दूंगा, उसकी हम बात कर सकते हैं। कैन वी डिस्कस सर? या देखो, हमें ऑफर ये करना है दैट वी गिव अ 30% स्टेक टू इकबाल राइट अवे। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट गुड फिनिशेस इन देयर हाउस, लेकिन मिलती नहीं है। आप ये जो फॉरेन फिनिशेस करवाते हो ना, उसका कॉस्ट आता है 200 से 400 रुपए। मैं भी करवा लूंगा ये, मैं भी 200 से 400 रुपए, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसका कॉस्ट थोड़ा और कम करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि मुझे बाहर होना पड़ेगा, हां, इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू? सर, वी लाइक टू काउंटर ऑफर आपको 50 लाख रुपीस फॉर 10%। He will sell his company to someone, जो भी he finds appropriate. Or somebody manage it. I mean, somebody I will it. be 100% involved here. Second thing, as per as Iqbal share, I agree for that. कितना share दोगे यार? 30%. 30% equity. Yeah, equity. Equity. और ये co-founder के बारे में क्या सोचा आपने? So we will keep a co-founder, but his share will depend हमारी जो valuation अभी जो discuss होती है उसके ऊपर। और तुम्हारा शेयर क्या होगा? I'm 23, मैं इसको एम्प्लॉय की तौर पे ही देखना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज माई पैशन। माई ऑफर इज नॉन निगोशिएबल। आपके पास एक ही ऑफर है। कैन वी डिसॉल्व द 20 लाख लोन एंड जस्ट मेक दैट 50 लाख का इन्वेस्टमेंट? एक्विटी आई कैन, बट द एक्विटी विल बी हायर। हाउ मच? 15%। At 15%, 50 लाख रुपए। Yes। हम आपके साथ डील करना चाहते हैं और एक co-founder भी लाना चाहते हैं हमारे साथ, जो marketing और logistics का काम देंगे। Okay, तो deal पक्की? जी। With all the conditions? With all the conditions। Fantastic, well done। Yeah। Congrats, Iqbal। Congratulations। Thank you। यार आपको मिलके मजा आ गया, एक सल्यूट करता हूँ यार। सर अब इकबाल के दीजिए। ले मिल जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Check.
put the clothing in the tank. Let's get it. Come on. Varda, karo hype, karo hartal, varda. Cool kids ke hum sar taaj, varda. Trendsetter apna andaaz, varda, varda. Yeah, let's go. For the clothing, about to become the face of Indian streetwear. Check it out. Hey. बचपन से ही चाहता और मैं रहते फुल स्टाइल में रहते इन ड्रिप फैशन गेम हमारा काफी स्ट्रॉन्ग पूरे आइल में नो स्किप भारत में स्ट्रीट वेयर के आइकॉन कस्टम मेड ड्रिप लगे जैसे साइक्लोन अपस्किल पुराने कपड़े बायगॉन लगे काफी बैंग ऑन ए विद अ बोट लाइक गोट अनुपम काउंटिंग नोट नमिता कम ऑन बोर्ड ए नमिता कम ऑन बोर्ड What you waiting for? Lens can't ignore, yeah. Lens can't ignore. Hey, hey, hey. Farda, karo hype, karo hartal, farda. Cool kids ke hum sar taaj, farda. Trendsetter apna andaaz, farda, farda, yay. Well done. Well done. Hello, sharks. आई एम चाहत पाउजा और ये है मेरे पार्टनर संस्कार मिश्रा हम 21 साल के हैं नागपुर सिटी से और हम हैं द ओनर्स ऑफ फरदा क्लोथिंग द वर्ड फरदा मीन्स टुमारो इन उर्दू इट मीन्स द फ्यूचर सो वी आर द फ्यूचर ऑफ फैशन हमारी एक प्रीमियम कस्टम स्ट्रीटवेयर ब्रांड है जो स्ट्रीट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है हम दोनों ने 6 महीने पहले अपने इस पैशन को इस बिजनेस में कन्वर्ट किया हम अपनी सिटी नागपुर के पाइनियर्स हैं हम इंडिया की टॉप स्ट्रीटवेयर ब्रांड बनना चाहते हैं और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो फॉर अस टू रीच आवर ड्रीम वी आर ऑल आस्किंग फॉर जस्ट 30 लाख फॉर 10% ऑफ स्टेक इन आवर कंपनी वेल डन ग्रेट प्रेजेंटेशन यार मजा आ गया थैंक यू सो मच संस्कार यहाँ जो आपके प्रोडक्ट्स है ये हैंड पेंटेड है मोस्ट ऑफ दिस तो आपका यूएसपी क्या है मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पहला पॉइंट हम कस्टमाइजेशन करते हैं अ कस्टमर विल कम टू मी तो वो मुझे बताएंगे मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए जो मेरे कपड़ों पे रिफ्लेक्ट करे आप ये आउटफिट देख रहे हैं ये शार्क टैंक को सोच के बनाया गया है सी देयर इज दिस शार्क जो एंड ये फिश नेट है जो शार्क चीर फाड़ के बाहर निकलना चाहती है बट ये नहीं निकल पाती है एंड देन ये एक शार्क है वो पैसों के बैग के साथ डील क्लोज कर लेता है सो ये सोच के हमने ये आउटफिट को डिजाइन किया है एंड सेकंड ये कस्टमाइजर सबको ही करा नहीं सकता बिकॉज हर किसी की पर्सनल चॉइस है हम ऐसे क्रिएटिव डिजाइन भी बनाते हैं जो एक बड़ी ऑडियंस को वो करे जैसे मैंने जो पहना है जो संस्कार ने पहना है ये एक क्रिएटिव डिजाइन है जो ज्यादा मास प्रोडक्शन में बना सकते हैं ये हमारी हाफ एंड हाफ टी शर्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है बट स्ट्रीटवेयर फैशन ये मास बन सकती है या अभी भी नीश है नहीं ये बिल्कुल भी नीश मार्केट नहीं है हमारे पास बड़े से लेकर बच्चों तक सब लोग हमसे परचेज करते हैं कहाँ से बनवाते हो ये नागपुर से हमारी सिटी से बेचते कहाँ इंस्टाग्राम पे हमारी मेजर सोशल प्रेजेंस है क्योंकि जेन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में जिसके थ्रू हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं कितना सेल्स हुआ अभी तक सेल्स 1.3 लाख तो देखा जाए तो ये पूरी सेल जो हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में हुई है बुरा मत मानिए बट 1.25 लाख की सेल में तो आपको अपॉर्चुनिटी ही कहां मिला ब्रांडिंग करने का भी तो अभी तो ब्रांड आपके दिमाग में है सामने कस्टमर के लिए तो नहीं है हमें प्रूव करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण हमें अप्रूव करने का सिर्फ पहली बार मौका मिला जो यहाँ से सिर्फ 14 दिन पहले था हम पहली बार कस्टमर्स के सामने गए फिजिकली एंड हमने 40,000 इन सेल्स किया 40,000 इन सेल कोई बड़ी चीज नहीं है ये अर्ली स्टेज पे और आपने इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कस्टमाइजेशन एग्जैक्टली जो बड़ी चीज है आजकल बच्चों को चाहिए पर्सनलाइज्ड चीज सर फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो वो जैकेट आप देख रहे हैं वो पूरा सस्टेनेबल फैशन से बना है एंड वो जो जीन्स है वो एक ट्राइबल आर्ट से बनी है जो इंडियन फ्यूजन है उसमें रनिंग स्टिच है जो एक इंडिया का आर्ट है जो पेसली है वो इंडिया का आर्ट है वो हम वो सब उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि उसमें स्ट्रीट वेयर ब्रांड सारी बाहर से है जितनी भी है बट इंडिया का कहीं भी वहाँ पे नाम नहीं है सो इंडियन टच भी ला रहे हैं एग्जैक्टली निकाल के ले आओगे डेफिनेटली We want you to wear our clothes. Just try it on if you want. आप जरा try करके आएंगे थोड़ा सा देख मैं मना I think आप पे काफी suit करेगा यार ये आपकी personality यार मैं पहन लूँगा तो यार उल्लू लगूँगा
नहीं बट ये कस्टमाइज्ड पीस ये हमारी एक फ्रेंड के लिए बनाया गया था उनकी जो राइफल है वो ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है हमने एग्जैक्टली उसे हैंड पेंट किया ओलंपिक्स के लिए ट्राई राइफल का यहां एग्जैक्ट वहां पे उनका नाम है ताकि पर्सनलाइजेशन दिखे एंड पीछे हमारी ब्रांड का नाम है ये पेंट उतरता तो नहीं नहीं पेंट नहीं उतरता देयर इज अ प्रोसेस जिसके पीछे वो जाता है सर आप वो जैकेट भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं जैकेट ट्राई करते हैं चलो जैकेट ले आर्टिस्ट ने रात भर बैठ के बनाया है अभी बैठ भी पहन सकते हैं डेफिनेटली वेयर इट लाइक सस्टेनेबल फैशन यू आर रॉकिंग इट लुक एट दिस नाइस सही लग रहा है आप पे लुक्स कूल ये पैचेस बहुत अच्छे हैं आपके जो आप पैचेस यूज कर रहे हैं वो बेस मटेरियल से बने हैं हम जींस बनाते हैं उसे बेचते हैं एंड जो कपड़ा बच जाता है उससे और महंगा जींस बनाते हैं ये कितने की बेचोगे ये 2800 की बिकी है बनाने में कितना कॉस्ट आया बनाने में 1200 बट बहुत महंगा बना मार्जिन भी कुछ नहीं मार्जिन फिर भी 150% के अराउंड है 130% एंड जैसे ही हम बल्क में लेंगे वो मार्जिन उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा अभी मुझे लग रहा है कि ये आपकी थोड़ी हॉबी टाइप की है मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करके स्केल कैसे करके बिजनेस कैसे बनाएंगे क्योंकि कस्टमाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है exactly. हम कस्टमाइजेशन का प्राइस बढ़ाएंगे एंड जो बाकी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उन तक लेके जाएंगे स्केल करने के लिए हम प्रीमेड डिजाइन यूज करेंगे एंड उसको बल्क में बनाएंगे ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए बहुत जल्दी कम कॉस्ट में एंड सर मेरे पास एक आर्टिस्ट की टीम है जो बहुत सारे प्रोडक्ट साथ में बना सकते हैं मैं सब लोगों से कांटेक्ट में बट मैं सबको अभी हायर नहीं कर सकती मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस लेवल तक उस काम को बढ़ा पाऊं पर वो स्केलेबिलिटी के जितने भी मेजर्स हैं जो हमको लेने चाहिए वी हैव डन ऑल ऑफ दैट फैशन में पता है प्रॉब्लम क्या होती है एक लेवल तक आप सस्टेन कर पाते हो उसके बाद ना रिटर्न्स की बहुत बड़ी इशू था आपको पता है ये बात आई थिंक वो इसलिए होता है बिकॉज़ लोग क्रिएटिव होना भूल जाते हैं नहीं बट आपका जो इन्वेंटरी होती है वो फंस जाती है अमन क्या सोच रहे हो आप क्योंकि आपको ये टारगेट मार्केट पता है ना पता है लेकिन मेरे को पता है फैशन में बहुत लोग कम लोगों ने पैसा बनाया है फर्स्ट सेकंड कस्टमाइज फैशन बहुत टफ ये ना एक नीश ऑडियंस होती है मैं दो बार वो जीन्स पहनूंगा उसके बाद तीसरी बार मैं सेम जीन्स भी पहनना नहीं पसंद करता मेरे को लगता है कि अभी आप इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से ड्रिवन आप बिजनेस से ड्रिवन नहीं है तो इस कारण से मैं एटलीस्ट आउट हो रहा हूँ Okay, well respected. Thank you, sir. मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा प्राइमरीली बिकॉज अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये अपैरल में जी चार संस्कार ऑफर देने के मैं इतना पास हूँ मेरे को खाली यही डाउट आ रहा है कि आप लोग एक तो बहुत यंग हो जी और दूसरा क्या करोगे दुकानें खोलोगे ऑनलाइन जाओगे ऑफलाइन जाओगे टेक्नोलॉजी में जालोगे सर ऑब्वियसली सिंस अगर आप मार्केटिंग की बात करो हम कैसे इसको स्केल करेंगे इट विल बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द थिंग्स इमीडिएटली एक स्टोर डालना इज नॉट आवर गोल हम लोग ऐसी चीजों से शुरू करेंगे जिसमें हमारी मिनिमल कॉस्ट लगे और जितना मैक्सिमम रीच हो पर आपको बताऊं हर चीज का आंसर होना भी जरूरी है आपके साथ बहुत सारे आंसर गलत चल रहे हैं मतलब मेरे को तो जितना आप आंसर करते हो गलत लगता है लेकिन मेरे को आप लोगों पे ना मन कर रहा है बैठ लेने का तो आप भी करना चाहते थे ना हाँ जी मैडम आपका क्या डिसीजन है अनुपम मैं भी अपना माइंड बना रहा हूँ अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं पर अभी मतलब इंटरेस्टेड कैसे नहीं होंगे यार इनका तालमेल देखिए आप वो पहले से जानती है कि ये क्या सोच रहे हैं वो शुरू करते हैं सेंटेंस वो कंप्लीट करती है इनमें तो सब आदमी इंटरेस्ट लेगा हर आदमी दिलचस्पी लेगा ठीक है तो हम आपको ऑफर देते हैं मैं और फार्मा जो हम इन्हें प्यार से फार्मा बुलाते हैं क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री की माँ है आपके पास ही है ना शेयर होल्डिंग जी 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 पक्का कंप्लीट 100% जी जी पूरी वी वुड लाइक टू ऑफर यू 30 lakhs बट फॉर 30% एंड द रीजन इज कि बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आपकी सेल्स अभी से 1.3 lakhs है तो क्या यू नो प्री डिजाइंड होगा कितना कस्टमाइज होगा क्या ऑफलाइन होगा क्या ऑनलाइन होगा हमारा बहुत टाइम जाएगा इसमें मैं भी आपको ऑफर करने वाला था मेरे को खुद की अपनी याद आ गई जब मैं 21 साल का था कुछ करना चाहता था लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता था मैं क्या करना चाहता था लोग मुझे भी पूछते थे मार्केट साइज मैं बिल्कुल बौखला जाता था तो वो मैं समझ रहा हूँ कि आप अभी तक क्रिएटिविटी पे फोकस है लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको ऑफर किया है और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं तो इसीलिए मैं अपना ऑफर नहीं दूंगा तो आप बताइए आपका डिसीजन क्या है इज दैट द फाइनल ऑफर दैट वी हैव या यू कैन डू अ काउंट वी वुड लाइक टू जस्ट टेक अ टाइम टू टॉक प्लीज टेक केयर थैंक यू डू यू नोटिस द शीन इन हर मटेरियल
these kids understand design. I know. अपन उनको बोलते हैं सर प्लीज अंडरस्टैंड दैट हमें आगे और पैसा बढ़ाना पड़ेगा. Exactly. मैंने बहुत कस्टमाइज चीजें देखी है पर इनका क्वालिटी लुक एट दैट फेलोज थिंग. नहीं नहीं सही है. It's अलग है. एंड इवन द पैचेस आर ब्यूटीफुल. वी आर पेइंग फॉर द डिजाइन. हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए क्योंकि हमको एक मेंटर की बहुत जरूरत है. दिस इज आवर चाइल्ड एंड हमको आगे भी फ्यूचर में फंडिंग रेस करनी पड़ सकती है. उसके लिए भी हमको एक स्कोप चाहिए. तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये डील 20% पे दें. मैं एक चीज बता रहा हूँ. मैं परसेंटेज का ना डिस्कशन भी नहीं करना चाहता था बिकॉज इट इज मोर फॉर सपोर्टिंग यू गाइस. सो वी आर रेडी टू. परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई थिंक 30% इज वेरी जेनरस. ठीक है मैं अकेले करता हूँ. We would go for that offer. Let's do it. Let's go. We got the deal. Congratulations. Thank you so much. Can I have a picture with you guys? Yeah, absolutely. Sure. Yes. Let's go. Hey, you know what? I changed my mind. I'm coming with you. I want to feel young too. Thank you. Congratulations. Good luck. अंदर एक इंसान भी बैठा है. शार्क भी बनेंगे लेकिन ये पैशन भी के लिए इंपॉर्टेंट है. यंग टैलेंट को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है. बॉट जब पैदा हुआ था ना वो कल्ट था. लोगों ने मुझे बोला था भाई हेडफोन ब्रांड है क्या कर लेगा. काले काले हेडफोन बिकते थे लाल पीले नीले क्यों बिकेंगे. अब जब ये कल्ट बनेगा ना तो हम सब भी ये पहनेंगे. yes. तो ये फर्क पड़ता है थोड़ा.